नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि Xiaomi कंपनी ने अपने सबसे बढ़िया और सबसे पावरफुल गेमिंग स्मार्टफोन ब्लैक शार्क 2 को कुछ दिन पहले ही लॉन्च किया है। दोस्तों, यह Xiaomi कंपनी का बहुत ही पावरफुल और बहुत ही बढ़िया गेमिंग स्मार्टफोन है। लेकिन दोस्तों, अब इसी मोबाइल को कड़ी टक्कर देने के लिए नूबिया कंपनी ने भी अपने एक और नए स्मार्टफोन नूबिया रेड मैजिक 3 को मार्केट में उतार दिया है। दोस्तों, इस मोबाइल की मार्केट में सीधी टक्कर ब्लैक शार्क 2 से होने वाली है, क्योंकि दोस्तों नूबिया रेड मैजिक 3 मोबाइल भी एक बहुत ही बढ़िया और बहुत ही पावरफुल गेमिंग स्मार्टफोन है। तो दोस्तों, यदि आप एक बढ़िया और अच्छा गेमिंग स्मार्टफोन लेना चाहते हैं, तो दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको इन दोनों ही मोबाइलों को कंपेयर करके बताएंगे कि आपके लिए इनमें से कौन सा मोबाइल बढ़िया होगा, किस मोबाइल के अंदर आपको ज्यादा बढ़िया फीचर्स मिलेंगे और इनकी कीमत क्या होगी। तो दोस्तों, इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा और लास्ट तक जरूर देखें, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इन मोबाइलों की डिस्प्ले के बारे में। दोस्तों, गेमिंग स्मार्टफोन के अंदर बढ़िया और अच्छी डिस्प्ले होना बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों, आपको Xiaomi ब्लैक शार्क 2 मोबाइल के अंदर कंपनी ने 6.39 इंच की फुल HD AMOLED डिस्प्ले दी है, जो कि 1080x2340 पिक्सल के रेजोल्यूशन के साथ है, और इसका एस्पेक्ट रेशियो 19:9 है। और वहीं दोस्तों, दूसरी तरफ अगर बात की जाए नूबिया रेड मैजिक 3 मोबाइल की, तो दोस्तों कंपनी ने इस मोबाइल के अंदर आपको 6.65 इंच की फुल HD AMOLED डिस्प्ले दी है, जो की 1080x2340 पिक्सल के रेजोल्यूशन के साथ होगी, और इसका एस्पेक्ट रेशियो भी 19:9 होगा, और इसकी कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास से प्रोटेक्ट की गई है। तो दोस्तों, अगर इनकी डिस्प्ले के डिफरेंस की बात की जाए, तो दोस्तों डिस्प्ले के मामले में नूबिया रेड मैजिक 3 आगे है, इसमें कोई दोराय नहीं है, क्योंकि दोस्तों इस मोबाइल के अंदर आपको बहुत ही बड़ी डिस्प्ले दी गई है, जिससे आपका गेमिंग एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया होने वाला है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इन मोबाइलों की रैम और इनके स्टोरेज के बारे में। तो दोस्तों, गेमिंग स्मार्टफोन के अंदर आपको अच्छी रैम देखने को मिलती है। एक मोबाइल के अंदर दो वेरियंट मिल जाते हैं, जिसमें आपको 6 GB और 12 GB रैम वाले वेरियंट मिलते हैं, जिनमें आपको 6 GB रैम के साथ 128 GB और 12 GB रैम के साथ 256 GB का इंटरनल स्टोरेज मिल जाता है। और वहीं अगर दोस्तों बात की जाए नूबिया रेड मैजिक 3 मोबाइल की, तो दोस्तों कंपनी ने इस मोबाइल को 8 GB और 12 GB रैम के साथ लॉन्च किया है, जिसके साथ आपको 128 GB और 256 GB का इंटरनल स्टोरेज मिलता है। तो दोस्तों, दोनों ही मोबाइलों के अंदर आपको पावरफुल वेरियंट मिलेंगे। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं मोबाइलों के कैमरा के बारे में। दोस्तों, अगर बात की जाए ब्लैक शार्क 2 मोबाइल की, तो दोस्तों कंपनी ने इस मोबाइल के बैक पैनल के ऊपर आपको ड्यूल रियर कैमरा सेटअप दिया है, जिसमें आपको 48 MP और 12 MP का ड्यूल रियर कैमरा और 20 MP का फ्रंट सेल्फी कैमरा दिया गया है। और दूसरी तरफ अगर दोस्तों बात की जाए नूबिया रेड मैजिक 3 मोबाइल की, तो दोस्तों इस मोबाइल के बैक पैनल के ऊपर आपको सिर्फ सिंगल रियर कैमरा देखने को मिलेगा, जिसमें आपको 48 MP का रियर कैमरा और 16 MP का फ्रंट सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, कैमरा के डिफरेंस की बात की जाए, तो दोस्तों कैमरा के मामले में Xiaomi ब्लैक शार्क 2 आगे है, इसमें कोई दोराय नहीं है। इसके अंदर आपको ड्यूल रियर कैमरा भी मिलता है और इसके कैमरा सेंसर भी बड़े हैं। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं मोबाइलों के प्रोसेसर के बारे में। दोस्तों, अगर बात की जाए Xiaomi ब्लैक शार्क 2 मोबाइल की, तो दोस्तों कंपनी ने इस मोबाइल के अंदर आपको ओक्टा कोर प्रोसेसर के साथ स्नैपड्रैगन 865 का बहुत ही पावरफुल चिपसेट दिया है, और यह मोबाइल एंड्रॉइड 9 पाई के ऊपर लॉन्च किया गया है। और दोस्तों, ग्राफिक के लिए इस मोबाइल के अंदर आपको कंपनी ने एडिनो 640 का GPU दिया है। वहीं अगर दोस्तों बात की जाए नूबिया रेड मैजिक 3 मोबाइल की, तो दोस्तों इस मोबाइल के अंदर भी आपको 2.8 GHz क्लॉक स्पीड वाले ओक्टा कोर प्रोसेसर के साथ स्नैपड्रैगन 855 का चिपसेट दिया है, और यह मोबाइल भी एंड्रॉइड 9 पाई के ऊपर लॉन्च किया गया है, और ग्राफिक के लिए इस मोबाइल के अंदर आपको एड्रीनो 640 का GPU देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, दोनों ही मोबाइलों के अंदर आपको सेम प्रोसेसर दिया गया है, इनके प्रोसेसर के अंदर बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये दोनों ही मोबाइल गेमिंग स्मार्टफोन है, इसलिए इनके अंदर आपको बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर दिया गया है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इन मोबाइलों की बैटरी के बारे में। दोस्तों, अगर बात की जाए ब्लैक शार्क 2 मोबाइल की, तो दोस्तों इस मोबाइल के अंदर आपको कंपनी ने 4000 mAh की क्विक चार्जिंग 3.0 सपोर्ट वाली बहुत ही बड़ी और बहुत ही पावरफुल बैटरी दी है, जो कि USB टाइप सी पोर्ट के साथ आती है। वहीं अगर दोस्तों बात की जाए नूबिया रेड मैजिक 3 मोबाइल की, तो दोस्तों इस मोबाइल के अंदर आपको कंपनी ने 5000 mAh की बहुत ही पावरफुल और बहुत ही बढ़िया 30 वाट के फास्ट चार्जिंग सपोर्ट वाली बैटरी दी है। तो दोस्तों, बैटरी के मामले में नूबिया रेड मैजिक 3 आगे है, इसके अंदर आपको बहुत ही पावरफुल बैटरी दी गई है। चलिए दोस्तों, आप जानते हैं आपके लिए इनमें से कौन सा मोबाइल बढ़िया रहेगा। दोस्तों, यदि आप इनमें से किसी एक मोबाइल को खरीदना चाहते हैं, तो दोस्तों फीचर्स के मामले में नूबिया रेड मैजिक 3 आगे है, इसमें कोई दोराय नहीं है, और इसकी कीमत भी दोस्तों ब्लैक शार्क 2 से लगभग 5000 रुपए कम है, और इसके अंदर आपको बड़ी बैटरी और बड़ी डिस्प्ले भी मिल जाती है। तो दोस्तों, आपको इनमें से कौन सा मोबाइल पसंद आया हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।